लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप कहाँ से हैं? कहाँ से? नवभारत से हूँ। हाँ ठीक है, पूछिए। मैं लक्ष्मी शर्मा, नवभारत से। प्रिया जी, आपका स्वागत है मुंबई में। धन्यवाद सर। जिस तरह से आपकी बातें मैं सुन रहा था, तो आप मोदी जी की जितनी भी आलोचना कर लें, एक क्रेडिट तो आप उन्हें दे सकते हैं कि आपको पॉपुलर बनाने में उनका एक बड़ा योगदान है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि उनका कितना योगदान है? और दूसरा आरक्षण की बात है, या मराठा आरक्षण की भी चर्चा चल रही है, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात की जा रही है, आप उससे सहमत हैं? की जा रही है ऐसा? अभी दिया नहीं है, विचार चल रहा है। कहाँ चल रहा है? मतलब इस तरह की चर्चा चल रही है, कई लोगों का मत भी है। हमारा मत है कि आर्थिक आधार पे हो, क्या आप चाहते हैं? ये बात की, ये बात भाई भाई। अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर के पूछिए। चर्चा चल रही है चाय की दुकान पे, कोई कोई सरकार का फोरम होता जिसपे जो है लोगों के जो है सुझाव मंगाए जाते, जिसके लिए कोई कमेटी बनाई जाती, तो फिर मैं समझता कि सीरियसली इस पे चर्चा चल रही है। बाकी फेसबुक पे तो बहुत तरह की चर्चा चलती है, तो गोबर से जो है सोना निकलता है, तो इसका क्या कर लेंगे? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जवाब दे। पहला सवाल जो आपने पूछा कि मोदी जी को आपको धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको पॉपुलर बना दिया है, ये पॉपुलरिटी आपको चाहिए? आपको आपको यदि कोर्ट रूम में चौक चौराहे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जहाँ रूल ऑफ लॉ का सेंटर है, वहाँ पीटा जाएगा वकील के भेष में, तो आप उस समय मोदी जी को धन्यवाद देंगे? आपकी माँ बाप को जब गाली दिया जाएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई रोकी जाएगी, एक साधारण व्यक्ति के लिए 17-18 न्यायालय में केस कर दिया जाएगा, तो आप धन्यवाद देंगे? हम फिर भी धन्यवाद देते हैं उनको, पता है क्यों? कुत्ता आपको काट लेगा तो आप पलट करके कुत्ता को थोड़ी काट लेंगे। हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो धन्यवाद देने के काबिल नहीं है। इस भ्रम में आप मत रहिए कि ये पॉपुलरिज्म जो आप कह रहे हैं, जिसको पॉपुलर होना, ये आसान नहीं है। ये पॉपुलर होने के लिए सारी एक्टिविटी नहीं की गई थी, वो आवाज़ को दबाने के लिए किया गया था। उनको लगा था कि जेल में डाल देंगे और डर जाएगा। डरते तो किसी से नहीं है, फिर मोदी जी से काहे डर जाएंगे? ये पॉपुलिज्म जो है वो भीख में नहीं मिला है सर, इसके लिए लड़ना पड़ता है, और ये इतना आसान भी नहीं है। आपको लगता होगा बहुत आराम से बैठ करके बोल रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। ऐसे ही प्रेस मीटिंग में कई बार जूता चल गया है, मीटिंग के बाहर बम चल गया है, इतना आसान नहीं है सर। लेकिन हम फिर भी धन्यवाद देते हैं कि अगर वो नहीं आते तो लड़ने वाले लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, इसके लिए हम उनको जरूर धन्यवाद देते हैं। दूसरा सवाल आपने कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का, इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण है, हम उसको देख नहीं पाते। BPL के तहत लोगों को जो अनाज दिया जाता है वो आरक्षण है कि नहीं है? आरक्षण का मतलब सिर्फ नौकरी होता है, वो आरक्षण का एक रूप नहीं है। और एडमिशन के वक्त भी लोगों को आरक्षण दिया जाता है, महिला होने के चलते भी दिया जाता है। राजस्थान में आप चले जाइए, महिलाओं को 50% का आरक्षण है, इस सेंस से कि जब वो बस का टिकट खरीदेंगी और 200 रुपया दाम होगा, तो हमको 200 रुपया पे करना है, उनको 100 रुपया पे करना है। अलग अलग तरीके से ये किया जाता है, इसको बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। जो समाज का कमजोर तबका है उसको ऊपर लाने का जो है प्रयास किया जाए। और ये आरक्षण को मैं और बता देता हूँ, कैसा नहीं है कि आज़ादी के बाद शुरू हुआ है, ये 3-4 हज़ार साल से इस देश में चल रहा है सर। पंडित का बेटा ही पंडित होगा और पुजारी वही होगा, ये भी एक तरीके का आरक्षण है। अयंगर बिक्री क्यों होता है, महार बिक्री क्यों नहीं होता है, ये आरक्षण नहीं है। अग्रवाल स्वीट्स, शुद्ध वैष्णव होटल, ये हमको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? ये कास्ट बेसिस इकोनॉमिक आरक्षण है कि नहीं है? हम कहते हैं कि ये सब जो आरक्षण है ना, ये सब आरक्षण अगर इस देश में इनइक्वलिटी पैदा करता है, तो इसको ख़त्म करके सामाजिक और शैक्षणिक रूप में आरक्षण देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इस बात को मुकम्मल तरीके से लागू करने के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई कि जो कमज़ोर छूटे हुए मार्जिनलाइज लोग हैं उनको कैसे अपवार्ड मोबिलिटी लाई जाए, और उसमें ये पर्सपेक्टिव नहीं था कि जो आगे बढ़े हुए लोग हैं उनका टांग काट दे। दुनिया बराबर करने का ये मतलब थोड़ी होगा सर कि आपका 6 फुट हाइट है और हमारा 5.5 फुट है, तो आधा फुट आपको नीचे से काट देंगे। दुनिया बराबर करने का ये मतलब थोड़ी होता है। दुनिया बराबर करने का ये मतलब होता है कि हॉस्पिटल के भीतर जितना इम्पोर्टेंट डॉक्टर है उतना ही इम्पोर्टेंट स्वीपर है। डॉक्टर साहब सुई लगा के चले जाएंगे और स्वीपर सफाई नहीं करेंगे तो क्या मरीज ठीक होगा?
लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होगा प्रोफेशन के आधार पे कि डॉक्टर बहुत बढ़िया आदमी है और स्वीपर बहुत खराब आदमी है, डॉक्टर जी को प्रणाम करेंगे और स्वीपर जी को हिकारत भरी नजरों से देखेंगे, ये गलत है। और मैं ये कहता हूँ कि आरक्षण की जब हम बात कर रहे हैं उसमें हम एक चीज जो मिसिंग है वो है आइडिया ऑफ इक्वलिटी। और आइडिया ऑफ इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने तरीके के एक्शन किए जा सकते हैं वो किया जाना चाहिए। और ये जो माहौल बनाया गया है कि जात के आधार पर आरक्षण होता है और उसको आर्थिक आधार पर करना चाहिए, तो जात के आधार पर ही डिस्क्रिमिनेशन भी होता है ना, आर्थिक आधार पर तो नहीं होता है। मान लीजिए मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, फिर भी हम जब बाजार में निकलेंगे तो हमको कहेगा प्रणाम पंडित जी, और जो है हम खूब पैसा कमा लिए हैं लेकिन हम जात के दलित हैं तो हमको जो है डेरोगेटरी लैंग्वेज जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी तो हमको समझना पड़ेगा। एफर्मेटिव एक्शन के अलग अलग रूप हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसको लागू किया गया है। दिल्ली मेट्रो में आगे का एक डिब्बा रिजर्व किया गया है महिला के लिए, वो एफर्मेटिव एक्शन है कि नहीं है? जब जब समाज में इनइक्वलिटी रहेगी तब तक उसको खत्म करने के लिए एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत रहेगी। वही बात मराठा आरक्षण की, पटेल आरक्षण की, जाट आरक्षण की, उसमें एक बात हमको समझने की जरूरत है। ये जो परिस्थिति पैदा हुई है इसका मूल कारण ये है कि एग्रेरियन क्राइसिस होने के चलते ये जो कृषक जातियाँ थी इनमें बेरोजगारी का सवाल बढ़ा है, इनमें जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है वो बढ़ा है। और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कम्युनिटी को ये लगता है कि अगर नौकरी में हमको आरक्षण मिल जाए तो इससे हमको नौकरी मिल जाएगी, जबकि हालात ये है कि इस देश में मात्र 1 से 1.5% सरकारी नौकरी है, जहाँ पर रिजर्वेशन है नौकरी में, बाकी सब निजी क्षेत्र में है। पत्रकार बनने के लिए थोड़ी यहाँ कोई रिजर्वेशन है, ऐसा तो नहीं है। और आप जो है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन बोल देता हूँ, सारे एडिटर इन चीफ का जो है कास्ट देख करके पता कर लीजिए उसमें कितना रिजर्वेशन है। ये सारी चीज़ें हमारे समाज में है, इस समाज को हम लोगों को समझना चाहिए। और हम जब आरक्षण के पक्ष में बोल रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमको इसमें जो है कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स दिखता है। इंसान होने का मतलब ही यही है कि आप भरपेट खा लें और आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको तकलीफ होगा, अगर आप मानव हैं तो। इस पहलू से हमको इस सवाल को देखना चाहिए और अलग अलग तरीके के अफर्मेटिव एक्शन लेकर के सोसाइटी के भीतर इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करना चाहिए। इस प्रयास को हमको प्रमोट करना चाहिए, इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और नौकरी जब 1-1.5% में है तो बाकी जो लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं उनको वहाँ पर तो रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। असल सवाल जो है वो जो एनर्जी है उसको इस रूप में रखना चाहिए कि नौकरी और बढ़े पब्लिक सेक्टर में, और जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, चाहे कोई भी किसी भी कम्युनिटी के हों, महिला भी मार्जिनलाइज है, दलित भी मार्जिनलाइज है, उनको उसमें एकोमोडेट करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपस में जो है ना तू-तू मैं-मैं करके असली जो सवाल है समता का उसको हमको नहीं बांट करना चाहिए। लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।